आपने हकीम सईद साहब का नाम सुना होगा हकीम सईद साहब की पाकिस्तान के अंदर कंपनी थी हमदर्द जो आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है ये दवाखाना है लेकिन इसका सिर्फ जो रूफ़ जा है वो को पाँच छः दस अरब रुपए का बिक जाता है हर साल यानी कहा जाता है कि सिर्फ रूफ़ ज़ा भी अगर कायम रह गया तो हमदर्द का नाम कायम रहेगा का। तो हकीम सईद साहब ने हमदर्द बनाया था और हकीम सईद साहब का कमाल ये था कि उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट करने के साथ साथ बहुत सारे कमाल किए मस उन्होंने सौ से ज़्यादा किताबें लिखी हंड्रेड से ज़्यादा किताबें लिखी की और इसके साथ साथ फिर उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी भी कमाल है आप देखेंगे आप हैरान ही रह जाएंगे कोई लाख के करीब तो उनके स्टूडेंट्स होते हैं और इतनी बड़ी फैकल्टी है फिर इसके साथ साथ उन्होंने दारुल हिकमत भी बनाया और हिकमत का काम भी करता था फिर साथ साथ उन्होंने दवाइयाँ भी बनाई बेतहाशा और दवाइयाँ भी अब बिक रही हैं फिर उन्होंने रोहफज़ा भी बनाया और रूफ़ज़ा भी चल रहा है और इसके साथ साथ हकीम साहब मतब भी किया करते थे और उन्होंने ज़िंदगी में हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया और इस सब के साथ साथ जो हकीम साहब का असल कमाल था वो ये था कि वो हर खत पढ़ते थे और हर खत का जवाब देते थे इस वक्त एक लाख के करीब खतूत जो हैं वो हकीम साहब के मिल चुके हैं जो उन्होंने हाथ से लिखे हैं तो वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जिसकी ज़िंदगी आम नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी है और उसने एक लाख ख़त लिख दिए लोगों को और ख़त पढ़े भी और उसके साथ साथ सौ किताबें भी लिख के और फिर इतने बड़े बड़े इदारे भी पाकिस्तान के अंदर बना लिए तो हकीम सही साहब के अंदर ज़ाहिर है कोई ना कोई कमाल तो होगा ना जो आपके और मुझ में नहीं है तो एक बार मैंने हकीम साहब से पूछा कि हकीम साहब ये बताइएगा कि मैं इतने काम नहीं कर पाता मैं तो आज तक प्रॉपर अपने बाल नहीं बना सका प्रॉपर मुँह नहीं धो सका प्रॉपर को काम नहीं कर सका और वॉक नहीं कर सका एक्सरसाइज़ नहीं कर सका मैं उस जमाने में ये नहीं करता होता तो आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं आखिर आपके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं तो हकीम साहब ने मुस्करा के कहा कि बेटा कोई कमाल नहीं है कोई बड़ी चीज़ नहीं है बस सिंपल सी बात है कि मैं डिसिप्लनड हूँ क्या हूँ मैं डिसिप्लनड हूँ उन्होंने कहा कि एक ही खूबी होती है जो इंसान को बड़ा बना देती है कोई एक खूबी बल्कि टोनी रॉबर्ट्स का भी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था उसकी एक कोटेशन है जिसको थोड़ा सा मैंने मॉडर्न भी किया है कहा था कि एक खूबी आपको कामयाबी की इंतहा तक ले जाती है इंतहाई बुलंदी तक ले जाती और मैं उसको ये कहता हूँ कि एक आपकी खूबी या एक आपकी आदत आपको कामयाबी तक ले जाती है और दूसरी आदत दूसरी खामी आपको ज़मीन पर ले जाती तो आपने सिर्फ एक आदत अपनानी होती है ज़िंदगी में तो आप कहीं से कहीं निकल जाते हैं रकीम सही साहब का ये कहना था कि मैं बिल्कुल आम ऑर्डनरी आदमी मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैंने अपने आप को डिसप्लनड कर लिया और उस डिसिप्लिन की वजह से आज मैंने बहुत कुछ कर ले और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम भी अपनी लाइफ को डिसप्लन कर लोगे तो तुम मुझसे भी आगे निकल सकते हो क्योंकि तुम नौजवान हो मैं तो अब बूढ़ा हो गया यकीन करें कि डिसिप्लिन इतनी बड़ी ताकत होती है कि अगर आप सिर्फ अपना अपने अंदर नज़म पैदा कर लें अपनी आप फ़िक्स कर लें तो यकीन करें कि आप दुनिया में कमाल कर सकते हैं और ये सिर्फ़ हकीम सही साहब का नुस्खा नहीं है बल्कि दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं बल्कि लाखों लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ डिसिप्लिन की बुनियाद पर बहुत कुछ कर लिया कायद मोहम्मद अली जिना खुद हमें यह गया बता गया कि भाई कि एक तीन चीज़ें उन्होंने बताई थी जिसमें एक डिसिप्लिन भी था कि अगर आप डिसप्लेंड हो गए तुम तो तुम जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे ऐज ए पाकिस्तानी कौम हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन सीखा कैसे जा सकता है तो इसे सिखाने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स जो है वो चार हफ्तों का कोर्स है इसका जो पहला हफ्ता है वो टाइम मैनेजमेंट का है हम पांच क्लासेज़ लेंगे टाइम मैनेजमेंट की दो दिन की एक्सरसाइजेज़ बताएंगे फिर जो दूसरा हफ़्ता है वो डिसिप्लिन का है हम लोगों को ये बताएंगे उसमें कि आप डिसिप्लिन लाइफ कैसे गुजार सकते हैं पांच लक्चर इस पर होंगे और बाकी जो दो दिन होंगे डिसिप्लिन में उसमें आपको वर्किंग करवाई जाएगी डिसिप्लिन की फिर जो तीसरा कोर्स है वो सेल्स टेक्निक से रिलेटेड है कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हम सब कुछ ना कुछ ना कुछ, ना कुछ ना कुछ चीज़ ख़रीद रहे होते हैं और कुछ ना, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं और अगर आपको सिर्फ सेल्स टेक्निक आ जाए तो ज़िंदगी में कहीं से कहीं चले जाएँगे तो हम सेल्स टेक्निक सिखाएंगे और जो चौथा कोर्स है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ है यानी आप अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री कैसे कर सकते हैं और चौथे हफ़्ते हम आपको ये बताएंगे और वो भी पांच क्लासेस होंगी और इसके साथ दो दिन की एक्सरसाइजेज़ होंगे तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कोई एक हफ़्ते का कोर्स ले सकते हैं आपने अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ले लें अगर आपने डिसिप्लिन सीखना है तो आप डिसिप्लिन का कोर्स ले लें और अगर आपने स्ट्रेस फ्री लाइफ का का कोर्स लेना है तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ का ले लें और अगर आपने सेल्स टेक्निक सीखनी है तो आप सेल्स टेक्निक का कोर्स ले लें एक हफ्ते का कोर्स वो कर लें और आपके लिए सूटेबल रहेगा और उसके साथ साथ हमारा एक और ऑफर चल रही है कि अगर ये आप चारों कोर्स ले लें ले, तो आपको एक कोर्स फ्री मिलेगा तो उसके साथ साथ हमारे ग्रुप्स बनते हैं व्हाट्सएप के अंदर आप सवाल कर सकते हैं आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और ये कोर्स क्योंकि मैं ही करवा रहा हूँ तो इन ताला आपके साथ रब्ता रहेगा आपकी स्क्रीन पे इस पर नंबर आ गया आप इन नंबर्स में से किसी नंबर पर रबा कर लें हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा और उसके बाद आप, आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और ये कोर्स 23 जून को स्टार्ट होंगे